जन सरोकार मंच के पर आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं अपनी बात शुरू करूंगी पाकिस्तानी मैं सिंध शायरा फहमीदा रियाज की चार लाइनों के साथ। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। मेरे माबूद ये किस गुनाह का अजाब है, मेरे माबूद ये किस गुनाह का अजाब है, ये तूने क्या कहर किया। मेरे माबूद ये किस गुनाह का अजाब है, ये तूने क्या कहर किया। मेरे हाथ में कलम थमा दिया इस घटा टोप अंधेरे में। मैं समय की ही एक कविता सबसे पहले आपसे साझा करना चाह रही हूं। मैं समय हूं, मैं समय हूं इतना बुरा समय, मैं समय हूं इतना बुरा समय कि मुझे शर्म आ जाए अपने ऊपर। मैं समय हूं इतना बुरा समय कि मुझे शर्म आ जाए अपने ऊपर कि मारे जा रहे हैं कितने बेगुनाह धर्म के नाम पर। मैं समय हूं, मैं समय हूं इतना अच्छा समय, मैं समय हूं इतना अच्छा समय कि अपनों को खोने के बाद भी कोई कर सके माफ इसके जिम्मेदार लोगों को। मैं समय हूं, मैं समय हूं इतना तटस्थ समय, मैं समय हूं इतना तटस्थ समय कि कुछ भी बोलने से पहले डरता हूं। मैं समय हूं इतना तटस्थ समय कि कुछ भी बोलने से पहले डरता हूं। बेशक भीतर ही भीतर, बेशक भीतर ही भीतर पल पल मरता हूं, बेशक भीतर ही भीतर पल पल मरता हूं। ये समय ऐसा है कि आप बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, इसका क्या अंजाम होगा। मुझे ध्यान है जब मैं छोटी थी तो हम मेरे दादाजी लेफ्टिस्ट थे घर पे, वही विचारधारा थी। हमारे घर पे एक लाल रंग का झंडा फहराता था और हम जो भी कोई हमारे घर आता था हम उसको कहते थे कि वो लाल रंग का झंडा जहाँ पे फहरा रहा है उस वो हमारा घर है। बड़े गर्व से हम कहते थे। एक वो समय था जब हम खुल के बोलते थे, जबकि उस समय वही उस समय भी वही जनसंघी ये जो जनसंघ हुआ करता था, कांग्रेस हुआ करती थी। लेकिन लोगों के मन में खैरथल की मैं हूँ छोटी सी जगह की, उस छोटी सी जगह पे जहाँ पे इस तरीके का ज़्यादा वो होना चाहिए कि आप लेफ्टिस्ट हैं तो आप अलग थलग पड़ जाएं, लेकिन वहाँ पे क्योंकि आपका काम बोलता है वो उस काम को महत्व देते थे। मेरे दादाजी जब नहीं रहे जिस दिन, उस दिन वो पूरा कस्बा बंद था। मतलब एक चाय की स्टॉल तक वहाँ नहीं खुली थी। ये बताता है कि उनके काम के लिए लोगों के मन में कितना मान था, कितना सम्मान था। ये वो समय था। और आज आप खुलकर बोल नहीं सकते कि हम लेफ्टिस्ट हैं या इस विचारधारा के हैं। जहां आपने बोलना शुरू कर दिया या आपने दो चार अपने मन की थोड़ी सी बात खुलकर बोली, वहां आप ट्रॉल हो जाएंगे। लोग बाग आपको बिल्कुल अलग थलग कर देंगे। ये आज का समय है जब आदमी बोलने से पहले 10 बार सोचता है, बोलने से पहले डरता है। मैं विरोध शीर्षक की छोटी छोटी कविताएं उनको मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हालांकि बहुत पहले लिखी थी लेकिन मुझे लगता है ये आज भी स्थितियां वैसी की ही वैसी हैं। मिलाकर नहीं छुड़ाकर हाथ, मिलाकर नहीं छुड़ाकर हाथ उठाकर हाथ, मिलाकर नहीं छुड़ाकर हाथ उठाकर हाथ किया जाता है विरोध। विरोध का सफर सच का सफर होता है, विरोध का सफर सच का सफर होता है गर किया जाए सच की खातिर। विरोध में चुपचाप रास्ते से हट जाना, विरोध में चुपचाप रास्ते से हट जाना नहीं कहलाता विरोध, वह तो होगा पलायन। परिवर्तन के लिए जरूरी है विरोध, परिवर्तन के लिए जरूरी है विरोध, विरोध न होने पर रह जाएंगे आप इतिहास के हाशिए पर। करना चाहते हो विरोध, करना चाहते हो विरोध पर रहने देते हो यूं ही, करना चाहते हो विरोध पर रहने देते हो यूं ही, ये आपकी उदारता नहीं कायरता है। हर गलत बात का विरोध करना, हर गलत बात का विरोध करना नहीं होता आसान, हर गलत बात का विरोध करना नहीं होता आसान, ऐसे हर विरोध का होता है विरोध। विरोध की भाषा में, विरोध की भाषा में नहीं होते प्रार्थना के मधुर वचन, विरोध की भाषा में नहीं होते प्रार्थना के मधुर वचन, उसे होना ही होता है कठोर, उसे होना ही होता है कठोर। और लास्ट है,
विरोध वह आग है जिसकी तपस्या डर भाग जाते हैं वे। विरोध वह आग है जिसकी तपस्या डर भाग जाते हैं वे, और दूर से देखते हैं आग से खेलने वाले को। और दूर से देखते हैं आग से खेलने वाले को। विरोध करना बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत ही मतलब आसान नहीं है। आप किसी चीज का विरोध करें तो ये मान के चलें आप अलग थलग पड़ जाते हैं। बहुत पुख्ताई से अपनी आप को पुरजोर तरीके से अपनी बात रखने का साहस आपके भीतर होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप बिल्कुल सच्चे होंगे और बिल्कुल खरे होंगे। अब हम अभी कोरोना तो खैर अपना कहर बरपा ही रहा है, चल रहा है, और कितना लंबा चलेगा नहीं कह सकते। और लॉकडाउन के दिनों में मैंने हमने सभी ने देखा, सबने पढ़ा, टीवी पे देखा, सुना, अपने आसपास देखा, मजदूरों को देखा, डॉक्टर्स को देखा, और पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने कैसे कैसे दृश्य देखे जो हमें ना कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि हमें ये सब देखना पड़ेगा। मैंने कविता लिखी उन दिनों में लॉकडाउन के ऊपर, इतिहास। लॉकडाउन नहीं होता तो 15 साल की उस बेमिसाल साइकिल धाविका, लॉकडाउन नहीं होता तो 15 साल की उस बेमिसाल साइकिल धाविका बनाम इस युग की श्रवण कुमारी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका कतई नहीं मिलता। लॉकडाउन नहीं होता तो 15 साल की उस बेमिसाल साइकिल धाविका बनाम इस युग की श्रवण कुमारी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका कतई नहीं मिलता, जो भूखे पेट और छालों से भरे पांव के बावजूद अपने वजन से कहीं ज्यादा वजन के घायल पिता को साइकिल पर बिठा 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर गुड़गांव से दरभंगा पहुंच गई थी महज 7 दिन में। हमें पता नहीं चलता, हमें यह भी पता नहीं चलता, प्रसव के 1 घंटे के बाद तुरंत बगैर लिए कमर कस सौंठ गोंद जीरा और हरीरा पैदल चल सकती है मीलों मील कोई सद्य प्रसूता। लॉकडाउन नहीं होता, लॉकडाउन नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता, लॉकडाउन नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता, तेज धूप में अपने आप को थके पांव से जबरन धकेलती मानो खुद को। एक माँ पूरी सावधानी और शिद्दत से खींच सकती है अटैची जिस पर सो रहा है बच्चा। लॉकडाउन नहीं होता, लॉकडाउन नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता, लॉकडाउन नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता। बिहार के मधुबनी जिले की महिला किसान लिख सकती है कृषि क्रांति की नई कहानी। सच में हमें पता नहीं चलता, सच में हमें पता नहीं चलता। एक आदिवासी दंपत्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए घर के आंगन में खोद सकता है कुआं बस 21 दिन में। हमें होना ही चाहिए, हमें होना ही चाहिए गर्व इन उपलब्धियों पर, इसे स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। हमें होना ही चाहिए गर्व इन उपलब्धियों पर, इसे स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा जब भी लिखा जाएगा कोरोना काल का इतिहास। हमें होना ही चाहिए गर्व इन उपलब्धियों पर, इसे स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा जब भी लिखा जाएगा कोरोना काल का इतिहास। जब भी नई पीढ़ी पढ़ेगी यह इतिहास, जब भी नई पीढ़ी पढ़ेगी यह इतिहास तब और भी बहुत कुछ जानेगी जो हो रहा है इसके समानांतर मगर जिसे लिखा नहीं गया। गर्व तो खाक शर्मी आएगी उन्हें हम पर, गर्व तो खाक शर्मी आएगी उन्हें हम पर कि ये सब होता रहा और हम देखते सुनते रहे चुपचाप। गर्व तो खाक शर्मी ही आएगी उन्हें हम पर कि ये सब होता रहा और हम देखते सुनते रहे चुपचाप। हमें स्वीकार करनी पड़ेगी उनकी लानतें, हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी उनकी लानतें, उनकी समझ पर गर्व करते हुए। वो हमें गलत समझने की कुव्वत रखते हैं। हाँ हाँ हमसे हुई है तमाम तमाम गलतियां, हाँ हमसे हुई है तमाम तमाम गलतियां, और इसे हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए। हाँ हमसे हुई है तमाम तमाम गलतियां और इसे हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए अभी बिल्कुल अभी अभी बिल्कुल अभी। ये थी जो लॉकडाउन में जो मैंने देखा, जो मन को जो विचलित हुआ मन जो चीजों को देख के, वो एक कविता ये लिखी थी मैंने। अब कुछ कविताएं इसके अलावा लॉक
लॉकडाउन के दिनों में और भी बहुत कुछ हुआ। हमने एक हथिनी को भी हमें याद है कि जिसको कुछ शैतान कहना चाहिए, या जिन्होंने भी वो उसको पाइनएप्पल के अंदर बम का गोला खिला दिया, तो उसमें मुझे वो गुजरात की चीजें याद आई, जो एक गर्भवती महिला के एक बच्चे को निकाल के त्रिशूल पे लटका दिया था जिन्होंने। तो ये चीजें आपस से सब को रिलेट होती हैं, जब आप सामने देखते हो तो आपको ऐसे कई चीजें याद आती चली जाती हैं। और अभी हाथरस में निर्भया का हुआ, मनीषा का हुआ हाथरस में, और अब फिर उसके बाद भी ये सिलसिला रुक नहीं रहा, अभी चले ही जा रहा है। अभी बाराबंकी में फिर ये हुआ, और ये तो जो दो तीन केस हैं जो हमें पता लगे हैं, जो अखबारों के माध्यम से पता लग रहे हैं। इसके अलावा न जाने कितने केस इस तरीके से हो रहे हैं, आप और हम कुछ नहीं कर पा रहे। कानून है, पुलिस है, शासन है, सब है, हम सब लोग हैं, लेकिन फिर भी स्थितियां वही की हैं। कुछ कुछ सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं, और कोई डर नहीं मन में, कोई खौफ नहीं। एक कविता है वो सुनाती हूँ मैम फिलहाल एक बार। पुरुषों की दुनिया में एक सबसे पहले मैं बलात्कार वाली सुनाती, जो मैंने लिखी थी। हालांकि मुक्ति, बलात्कार से पीड़ित लड़की चर्चा बन जाती है आसपास पड़ोसियों के लिए। बलात्कार से पीड़ित लड़की चर्चा बन जाती है आसपास पड़ोसियों के लिए, जिनके सामने वो पली बड़ी। बलात्कार से पीड़ित लड़की चर्चा बन जाती है आसपास पड़ोसियों के लिए, जिनके सामने वो पली बड़ी, परिवार की बर्बादी का कारण कहलाती है। बन जाती है पक्ष विपक्ष के लिए बहस का मुद्दा, अपनी ही मित्र मंडली में पड़ जाती है अलग थलग। वो दूसरे के दुष्कर्म को ढोती टकराती है हर पल अपने आप से। वो दूसरे के दुष्कर्म को ढोती टकराती है हर पल अपने आप से, और चीखती है मैंने नहीं किया है पाप, और चीखती है मैंने नहीं किया है पाप, फिर भी अनकिए पाप से मुक्ति नहीं। वो निराश तो होती है मगर हिम्मत नहीं हारती। वो निराश तो होती है मगर हिम्मत नहीं हारती। इस बार वह चिल्लाती नहीं, बोलती भी है। इस बार वह चिल्लाती नहीं, बोलती भी है। वो बार बार जन्म लेना चाहती है। वो चाहती है पहले से अधिक हो सशक्त। वो चाहती है पहले से अधिक हो सशक्त, आए इस पृथ्वी पर और एक दिन इस पाप को खत्म कर अपनी भटकती हुई आत्मा को शांति दिलाए, और अपनी भटकती हुई आत्मा को शांति दिलाए। बात औरत की चली है तो एक कविता, पुरुषों की दुनिया में स्त्री। मन में कड़वाहट आ जाती है जब आप सुनते हैं इस तरीके की चीजें, वरना तो ये पुरुष और महिला में ये भेद होना ही नहीं चाहिए। घर में, बाहर, समाज में, दोनों अपने अपने काम कर रही है। महिला अपने जिम्मेदारियों को निभा रही है, पुरुष अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, मगर ये जब भेद नजर आता है, जब आपको सामना करना पड़ता है इन चीजों का, फेस करते हो घर, बाहर, समाज, दुनिया में, सब जगह, तब आपको ये लिखने की जरूरत पड़ जाती है कि पुरुषों की दुनिया में स्त्री जैसी कविताएं लिखने की जरूरत पड़ती है। वरना ये समानता हो तो लिखने की जरूरत ये क्यों पड़े? आप और कोई अपना साहित्य लिखेंगे, कुछ और चीजें इतनी दुनिया में लिखने के लिए हैं, अच्छी अच्छी चीजें, आप क्यों इस पचड़े में फंसेंगे कि महिला और पुरुषों के लिए हम लिखें? लेकिन अब क्योंकि लिखने की जरूरत ये पड़ रही है, इसलिए कविता आपके लिए। पुरुषों की दुनिया में स्त्री। पुरुषों के षड्यंत्रों से बेखबर, पुरुषों के षड्यंत्रों से बेखबर औरतें रसोई के काम में जुटी रहती हैं। पुरुषों के षड्यंत्रों से बेखबर औरतें रसोई के काम में जुटी रहती हैं। कपड़े धोती हैं, झाड़ू पोंछा लगाती हैं, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं। आए गए की आवभगत बखूबी करती हैं स्त्रियां। ये स्त्रियां इतना काम क्यों करती हैं? ये स्त्रियां इतना काम क्यों करती हैं? क्यों नहीं उठकर आराम से पुरुषों की तरह चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ती? ये स्त्रियां इतना काम क्यों करती हैं? क्यों नहीं उठकर आराम से पुरुषों की तरह चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ती?
दूर तक मॉर्निंग वॉक पर क्यों नहीं निकल जाती सहेलियों संग निश्चिंत होकर, बेफिक्र क्यों नहीं हो जाती स्त्रियां, बेफिक्र क्यों नहीं हो जाती स्त्रियां जैसे हो जाते हैं पुरुष जब होते हैं अपने मित्रों के संग। ये स्त्रियां क्यों करती हैं घर से इतना प्यार, ये स्त्रियां क्यों करती हैं घर से इतना प्यार, क्या इन स्त्रियों ने वह समाचार नहीं पढ़ा, मुंबई के एक अस्पताल में हुए 8,000 भ्रूणों के गर्भपात में शामिल थी 7,999 लड़कियां, दुनिया के 1,85,00,000 शरणार्थियों और 2,000 विस्थापितों में से 75% हैं महिलाएं, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा है एक वैश्विक संकट, हर दूसरे घर में मिल जाएगा इसका कोई न कोई शिकार, कितनी ही मारी जाती हैं अपने ही लोगों के हाथों, कितनी ही मारी जाती हैं अपने ही लोगों के हाथों, क्या इन महिलाओं को नहीं पता बलात्कार गैंगरेप एसिड अटैक की शिकार पीड़िताओं के बारे में, कि स्त्रियां क्यों हैं जानकर अनजान, ये स्त्रियां क्यों हैं जानकर अनजान क्यों देती हैं जन्म पुरुषों को, ये स्त्रियां क्यों हैं जानकर अनजान क्यों देती हैं जन्म पुरुषों को, क्यों नहीं लगा देती विराम इस अनवरत चलने वाले षड्यंत्रों को, क्यों नहीं करती वो ऐसा, क्यों नहीं करती वो ऐसा क्योंकि वो स्त्रियां हैं, क्यों नहीं करती वो ऐसा क्योंकि वो स्त्रियां हैं। स्त्रियों कब पूछोगी अपने आप से सवाल, स्त्रियों कब पूछोगी अपने आप से सवाल, कितनी और कब तक चुकाओगी कीमत, कितनी और कब तक चुकाओगी कीमत अपने स्त्री होने की, अपने स्त्री होने की। ये मन की कड़वाहट है। वैसे मैं आंकड़े वगैरह कविताओं में लेने में थोड़ा कम विश्वास करती हूँ, मगर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जहाँ कविताएं जो होती हैं, जहाँ आपको लगता है कि हाँ बिना आंकड़ों के आप अपनी बात समझा पाना बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत कहने से वो चीज नहीं आती कि बहुत, जब आप 8,000 में से कह रहे हो 7,999 लड़कियों का गर्भपात जो लड़कियां हैं, तो बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि आज भी इतने सालों बाद भी स्थितियां ज्यों की त्यों हैं, जबकि कितने कानून सब कुछ बन रहे हैं, गर्भपात विरोधी कानून बन रहे हैं, लेकिन आज भी स्थिति छुपे दुपे सब कुछ यही हो रहा है। अब एक औरत की दुनिया, औरत की ही कविताएं आज मैं और कुछ और भी लूंगी, अभी पहले औरत की दुनिया। तुमने कहा मैं अच्छी हूं, मैं खुश हो गई, तुमने कहा मैं अच्छी हूं, मैं खुश हो गई, तुमने कहा मैं बुरी हूं, मैं उदास हो गई, तुमने कहा मैं अच्छी हूं, मैं खुश हो गई, तुमने कहा मैं बुरी हूं, मैं उदास हो गई, तुमने कहा मुझसे सुंदर कोई नहीं, तुमने कहा मुझसे सुंदर कोई नहीं, मैंने आईने में अपने आप को निहारा, तुमने कहा मैं अच्छी हूं, मैं खुश हो गई, तुमने कहा मैं बुरी हूं, मैं उदास हो गई, तुमने कहा मुझसे सुंदर कोई नहीं, मैंने आईने में अपने आप को निहारा, तुमने कहा रहने का सलीका नहीं तुमको, तुमने कहा रहने का सलीका नहीं तुमको, मैं उसके इधर उधर बेतरतीब बिखरे पड़े सामान को समेटने लगी, तुमने कहा रहने का सलीका नहीं तुमको, मैं उसके इधर उधर बेतरतीब बिखरे पड़े सामान को समेटने लगी, मैं अच्छी हूं, मैं अच्छी हूं, मैं बुरी हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सलीकेदार नहीं हूं, मैं अच्छी हूं, मैं बुरी हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सलीकेदार नहीं हूं, यही तो जिंदगी है भाई कभी खट्टी कभी मीठी, यही तो जिंदगी है भाई कभी खट्टी कभी मीठी, मगर ये सारे स्वाद एक औरत के लिए ही क्यों, मगर ये सारे स्वाद एक औरत के लिए ही क्यों। इसी एक औरत की दुनिया से ही मैं उसी शीर्षक से मैं आगे एक और मतलब तीन कविता लिखी थी, दो आपसे साझा कर रही हूँ। एक दिन तुमने कहा बहुत प्यार आता है मुझ पर, एक दिन तुमने कहा बहुत प्यार आता है मुझ पर, मैं खुश हो गई, एक दिन तुमने कहा बहुत प्यार आता है मुझ पर, मैं खुश हो गई, एक दिन तुमने कहा बदजुबान जवान लड़ाती है मुझसे और मैं चुप हो गई, फिर एक दिन तुमने कहा जिंदगी हो तुम मेरी, फिर एक दिन तुमने कहा जिंदगी हो तुम मेरी, मैं तुम में खो गई, एक दिन तुमने कहा किस्मत फूट गई मेरी जो तुम मेरी जिंदगी में आई,
एक दिन तुमने कहा किस्मत फूट गई जो मेरी तुम जिंदगी में आई, मैं सोच में पड़ गई। मैं तुम्हारे आज के तमगे का इंतजार कर रही हूँ, मैं तुम्हारे आज के तमगे का इंतजार कर रही हूँ। एक दो कविताएं, आप कोई समझ में नहीं आता, बहुत मुश्किल हो जाता है छांटना। आप कुछ कविताएं हैं जो मेरे दिल के करीब हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, जो लगता है वास्तव में मैंने अपने मन से लिखी हैं। पुरुषों की दुनिया में एक माँ, थोड़ी हार्श कविता है, लेकिन उनके कारनामे नहीं हैं ऐसे जिन्हें माफ किया जा सके, उनके कारनामे नहीं हैं ऐसे जिन्हें माफ किया जा सके। मैं नहीं दूंगी अपनी कोख से जन्म किसी पुरुष को, उनके कारनामे नहीं हैं ऐसे जिन्हें माफ किया जा सके। मैं नहीं दूंगी अपनी कोख से जन्म किसी पुरुष को, मगर जो जन्मे हैं, मगर जो जन्मे हैं वह तो मेरे अपने हैं ना, मगर जो जन्मे हैं वह तो मेरे अपने हैं ना। एक कविता व्यतिरेक। कुछ चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरीके से चलती हैं। उसके दादा और दादी की उम्र में, उसके दादा और दादी की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था, उसके दादा और दादी की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था, मगर असमय ही कालग्रस्त हो गई थी दादी। दादा ता उम्र बात बात पर याद करते थे दादी को, दादा ता उम्र बात बात पर याद करते थे दादी को, बखान करते हुए दादी के गुणों का। रोटी इतनी मुलायम बनाती जो मुंह में जाते ही घुल जाती, रोटी इतनी मुलायम बनाती जो मुंह में जाते ही घुल जाती। दूध बिलोने में उसका कोई सानी न था, मक्खन का गोला बना उछालती हौले हौले से, फिर उंगलियों से ऐसे दबाती मजाल जो रह जाए छाछ की एक बूंद भी। कपड़े भी ऐसे धुलते चकाचक उससे, कपड़े भी ऐसे धुलते चकाचक उससे, पुराने भी नए नए से लगते, और भी न जाने क्या क्या कशीदे काटते थे दादा हर रोज दादी की विशेषताओं का। वही दादा पिता को लताड़ देते थे, वही दादा पिता को लताड़ देते थे जोरू का गुलाम कहते हुए, जब जब पिता करते थे तारीफ माँ की। रहती दादी से सदा दादा उलझते ही रहे, रहती दादी से दादा सदा उलझते ही रहे जरा जरा सी बातों पर। न रहने पर इतना सराहते क्यों है, न रहने पर इतना सराहते क्यों है, वो कभी नहीं समझ पाया, वो कभी नहीं समझ पाया। अब मुझे लगता है कुछ और मिजाज की कविताएं लूं मैं पहले, लेकिन उससे पहले मैं लें एक सुखद मौत। कुछ चीजें आपको बहुत, इस कविता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने लिखा, जो देखा शायद वही शब्दों में मैं आपके सामने, 5-6 लाइनों की कविता है सुखद मौत। वो पूजा करते जली इसलिए सुखद मौत मरी, वो पूजा करते जली इसलिए सुखद मौत मरी और पुण्य आत्मा बनी, वो पूजा करते जली इसलिए सुखद मौत मरी और पुण्य आत्मा बनी। पंडित जी उस औरत की तीये की बैठक में बड़े जोश से प्रवचन दे रहे थे, जो पूजा करते इस कदर जली तड़पते कराहते अंतिम सफर को चली। वो पूजा करते जली इसलिए सुखद मौत मरी और पुण्य आत्मा बनी। पंडित जी उस औरत की तीये की बैठक में बड़े जोश से प्रवचन दे रहे थे, जो पूजा करते इस कदर जली तड़पते कराहते अंतिम सफर को चली। पंडित जी लगता है आपका हाथ कभी जला नहीं, पंडित जी लगता है आपका हाथ कभी जला नहीं। इस कविता मुझे बहुत विचलित करती है और ये बिल्कुल, मतलब मैंने अपने कानों से सुना, एक भरी सभा में एक पंडित इस तरीके से, उजलने से उनकी मौत हुई थी, और एक पंडित भरी सभा में इस तरीके से यदि कहता है कि वो क्योंकि पूजा करते हुए जली तो और वो तो सीधा स्वर्ग को जाएंगी, बहुत अच्छी पुण्य। मतलब मैं ये सोच रही थी कि मतलब ये सारा सभा मंडल ये सुन, मतलब कैसे सुन पा रहा है ये सारी इस तरीके इसकी चीजें। बहुत विचलित हुई मैं सुनकर, और मैंने आते ये चार लाइनें जैसा सुना वैसा कि वैसा, इसमें कुछ ना कोई उपमाएं ना कुछ और कुछ नहीं जोड़ा, जैसा सुना वैसा कि वैसा मैंने लिख दिया था इस कविता को। एक कविता बहुत उधार की जिंदगी।
इस मुश्किल समय में भी सब कुछ कितनी आसानी से हो जाता है, इस मुश्किल समय में भी सब कुछ कितना आसानी से हो जाता है। मकान के लिए, कार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, बिटिया की शादी के लिए, बेटे को विदेश भेजने के लिए जरूरत होती है धन की, और उपलब्ध है वह आसान शर्तों और किश्तों पर। आप जाइए किसी फाइनेंसर के पास, थोड़ी सी खाना पूर्ति के बाद ले आइए धन। आप जाइए किसी फाइनेंसर के पास, थोड़ी सी खाना पूर्ति के बाद ले आइए धन, और अपने मुश्किल समय को आसान बनाइए। पता नहीं क्यों कहते थे हमारे बड़े, पता नहीं क्यों कहते थे हमारे बड़े, उधार लेने से बेहतर है भूखों मरना। पता नहीं क्यों कहते थे हमारे बड़े, बुखार उधार लेने से बेहतर है भूखों मरना, और गुजार देते थे अभावों में जिंदगी। पता नहीं क्यों कहते थे हमारे बड़े, उधार लेने से बेहतर है भूखों मरना, और गुजार देते थे अभावों में जिंदगी। पर वे जीते थे अपनी जिंदगी, पर वे जीते थे अपनी जिंदगी। हम जीते हैं उधार की जिंदगी, हम जीते हैं उधार की जिंदगी। युद्ध और नागरिक। युद्ध कभी अच्छा नहीं होता, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी कारण से हो। युद्ध हमेशा, हम घर के मसले भी तो सुलझाते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि एक पक्ष थोड़ा शांत रहे, एक पक्ष थोड़ा सा झुक जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप यदि कहते हैं कि क्या है, थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा उनको दे दो, तो आप ऐसा लगता है जैसे आप अपने देश के विरोध में खड़े हो, आप अपने देश का हित नहीं चाह रहे, आप देश राष्ट्र विरोधी हो। पर युद्ध किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, मैं तो कम से कम इसी पक्ष में हूं। युद्ध और नागरिक। पहले एक के बदले एक, फिर दो। पहले एक के बदले एक, फिर दो, फिर दस, और अब पचास की मांग आई है। पहले एक के बदले एक, फिर दो, फिर दस, और अब पचास की मांग आई है। आंकड़ों की यह कैसी लड़ाई है। जानती हूं जिनके अपने युद्ध में मारे गए हैं, जानती हूं जिनके अपने युद्ध में मारे गए हैं, उनके घाव हरे ही रहेंगे, नासूर बनता उम्र दर्द देते रहेंगे। पहले एक के बदले एक, फिर दो, फिर दस, और अब पचास की मांग आई है। आंकड़ों की यह कैसी लड़ाई है। जानती हूं जिनके अपने युद्ध में मारे गए हैं, उनके घाव हरे ही रहेंगे, नासूर बनता उम्र दर्द देते रहेंगे। दर्द का कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जात, कोई रंग नहीं होता। दर्द का कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जात, कोई रंग नहीं होता। कोई सरहद भी नहीं होती दर्द की। दर्द तो दर्द होता है, दर्द तो दर्द होता है, इस पार या उस पार। दर्द तो दर्द होता है, इस पार या उस पार, उन सबका दर्द एक समान। या खुदा तू ही बता, या खुदा तू ही बता इन बेगुनाहों की खता। या खुदा तू ही बता इन बेगुनाहों की खता, जो करते हैं अपनी अपनी मिट्टी से प्यार। या खुदा तू ही बता इन बेगुनाहों की खता, जो करते हैं अपनी अपनी मिट्टी से प्यार। उनको क्यों इतनी बड़ी सजा, उनको क्यों इतनी बड़ी सजा, उनको क्यों इतनी बड़ी सजा। हर देश के नागरिक अपने देश से प्यार करेंगे, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है, मगर वो इस देश की सीमाओं के लिए, सरहदों के लिए अपने प्राण उनको न्यौछावर करने पड़े, ये कम से कम नहीं होना चाहिए। एक कविता जो लिखी तो बहुत पहले है, लेकिन आपके साथ साझा करना चाहूंगी। इसमें हालांकि बुश और लादेन है, आप इसकी जगह आप किसी को भी रख सकते हैं। युद्ध में अर्थहीन हो गए प्रश्न, ठीक इस समय, ठीक इस समय जब मैं आपको सुना रही हूं युद्ध के विरुद्ध अपनी कविता। ठीक इस समय जब मैं आपको सुना रही हूं युद्ध के विरुद्ध अपनी कविता। कितनों ही स्थानों पर हो रहे होंगे युद्ध के विरुद्ध सभाएं और सेमिनार। ठीक इस समय जब मैं आपको सुना रही हूं युद्ध के विरुद्ध अपनी कविता। कितने ही स्थानों पर हो रही होंगी युद्ध के विरुद्ध सभाएं और सेमिनार। राजनीतिज्ञ, समाज विज्ञानी, पर्यावरणविद, अर्थशास्त्री बता रहे होंगे अपने अपने विचार। कहीं बैठे होंगे धरने पर युद्ध के विरुद्ध आंदोलन में। कहीं पर नारेबाजी हो रही होगी
बुश हाय हाय, लादेन हाय हाय। कितनों के हाथों में होंगे पोस्टर, कितनों के हाथों में होंगे पोस्टर, लहू लुहान होती इंसानियत दिखाई गई होगी उसमें, कटोरा हाथ में लिए लोगों को भीड़ लादेन पर पड़ रहे होंगे कोड़े। कितनों के हाथों में होंगे पोस्टर, लहू लुहान होती इंसानियत दिखाई गई होगी उसमें, कटोरा हाथ में लिए लोगों की भीड़ तस्वीरों में दिखाया गया होगा कई कंकालों के ढेर पर बैठा हुआ बुश। तस्वीरों में दिखाया गया होगा कहीं कंकालों के ढेर पर बैठा हुआ बुश। कहीं भी कभी भी कोई भी नहीं चाहता युद्ध, कहीं भी कभी भी कोई भी नहीं चाहता है युद्ध, कि हो युद्ध पर हो रहे हैं युद्ध, होते रहे हैं युद्ध और आगे भी होते रहेंगे युद्ध। कहीं भी कोई भी नहीं चाहता कि हो युद्ध पर हो रहे हैं युद्ध, होते रहे हैं युद्ध और आगे भी होते रहेंगे युद्ध। आदमखोर अपनी सुरक्षित गुफा में, आदमखोर अपनी सुरक्षित गुफा में आराम कर रहा है और महाबली थप्पड़ खाए गाल को मर्जे गरज रहा है। आदमखोर अपनी सुरक्षित गुफा में आराम कर रहा है और महाबली थप्पड़ खाए गाल को मलते गरज रहा है। जब हजारों लाखों बूढ़े बच्चे स्त्रियां और अनाथ, जब हजारों लाखों बूढ़े बच्चे स्त्रियां और अनाथ भूख से लड़ते, बमों से डरते, दर बदर भटक रहे हैं एक मुट्ठी अन्न और गज जमीन की खातिर, जब हजारों लाखों बूढ़े बच्चे स्त्रियां और अनाथ भूख से लड़ते, बमों से डरते, दर बदर भटक रहे हैं एक मुट्ठी अन्न और एक गज जमीन की खातिर, टीवी पर समाचार देखता मेरा 9 वर्ष का बेटा, टीवी पर समाचार देखता मेरा 9 वर्ष का बेटा मुझसे पूछता है, क्या लादेन का बदला अमेरिका इनसे ले रहा है? टीवी पर समाचार देखता मेरा 9 वर्ष का बेटा पूछता है, क्या लादेन का बेटा अमेरिका इनसे ले रहा है बदला? मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका। किसी के पास कैसा भी कोई जवाब है क्या? कोई दे सकता है क्या आप में से कोई इसका जवाब? ये कविता जब वो 9 साल का था, ये कविता मैंने तब लिखी थी जब वो 9 साल का था और आज वो 26 साल का है। मुझे लगता है 17 साल में स्थितियां वही की वही हैं, मुझे लगता है और ज्यादा खराब हुई हैं। तो अब क्या किया जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आता ये सब स्थितियां किस तरीके से ठीक होंगी। और मुझे लगता है मैं आज के ये 10-15 साल या 20 साल बाद भी यदि इस कविता को सुनाऊंगी और बुश की जगह कोई और नाम लिख दूंगी, लादेन की जगह कोई और नाम लिख दूंगी, तो भी मुझे लगता है ये कविता समसामयिक लगेगा कि इसी समय के लिए लिखी गई है। मुझे लगता है इस स्थितियों में हम सब स्थितियां ठीक हों। इसके अलावा एक लेखक क्या कर सकता है वो समझ में नहीं आता कुछ। मुझे लगता है इसके बाद मैं एक आशा कविता सुनाती हूँ, क्योंकि एक आशा ही कर सकते हैं हम कि स्थितियां ठीक हों, अच्छी हों। बहुत कठिन है आशा की बात करना, बहुत कठिन है आशा की बात करना जब घिरा हो अंधेरा चारों तरफ, बहुत कठिन है आशा की बात करना जब घिरा हो अंधेरा चारों तरफ, चलना पड़ रहा हो अंगारों पर कदम दर कदम, लटक रही हो असुरक्षा की तलवार लगातार। बहुत कठिन है आशा की बात करना, बहुत कठिन है आशा की बात करना जब दोस्त दुश्मन में फर्क नजर ना आए, घात परिघात के रचे जा रहे हो षड्यंत्र, फुसफुसाहटों में दबी रह जाए सहज मुस्कान। आशा तो फिर आशा है, आशा तो फिर आशा है जगमगा जाती अंधकार में नन्हे दिए सी, आशा तो फिर आशा है जगमगा जाती अंधकार में नन्हे दिए सी, बुझा देती है अभाव के अंगारों को ठंडी फुहार बनकर साहस की ढाल। हाँ आशा ही तो है जो बच्चे की खिलखिलाहट में लेती है हर बार जन्म, हाँ आशा ही तो है जो बच्चे की खिलखिलाहट में लेती है हर बार जन्म, ध्वस्त करते हुए अविश्वास और छल कपट की भयानक चुप्पियों को। हाँ आशा ही तो है, हाँ आशा ही तो है तब्दील होती है विश्वास में, हाँ आशा ही तो है जो तब्दील होती है विश्वास में, जब भी पत्ते के झड़ने से ठूंठ बनी टहनी पर फूटती है कोई
नई कौपल, जब भी पत्ते के झड़ने से ठूंठ बनी टहनी पर फूंकती है कोई नई कौपल। एक आशा ही तो है और हम उम्मीद करते हैं कि स्थितियाँ जल्दी से, युद्ध तो खैर जो है और इसके अलावा कोरोना के से कितने लोग कितने परेशान हो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो वास्तव में जिनके पास नौकरियां जिनकी चली गई, जिनको खाने की दवाइयां नहीं है, हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां के हाल खराब हो रहे हैं। मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने बताया उनके ब्रदर की हाल ही में भी कोरोना से डेथ हुई, वो शाम को एडमिट करवा कर आए हैं, 7 या 8 बजे आए हैं घर पे वापस, उनको आजकल अंदर जाने देते नहीं किसी को, और बोले सुबह आ जाना, सुबह 7 बजे वो उसका नाश्ता लेकर गए हैं, तो वहां जाके गेट पे कहते हैं कि उनकी 4 बजे डेथ हो गई, अब मोर्चरी में बॉडी मोर्चरी में पड़ी है। आप एक किस तरीके की, मतलब आप 4 बजे यदि तबीयत उनकी खराब हुई तो आप उनको एक फोन तो करेंगे, आप वो 7 बजे नाश्ता लेकर गए हैं, तो इस तरीके की स्थितियां चल रही हैं। तो मुझे उम्मीद आशा करती हूँ कि जल्दी से स्थितियां ठीक हों और हम जल्दी से वो एक मौका आए कि हम रूबरू होकर आपस में मिलें, अपनी बात साझा करें। ये बातचीत जो आज एक तरफा थी वो दोनों तरफा हो, कुछ आप कहें कुछ मैं कहूँ, मैं आपकी सुनूँ आप मेरी सुने, तो मुझे लगता है समय हो गया है। इसके साथ ही मुझे विदा लेनी चाहिए। हम फिर जल्दी मिलेंगे और अच्छे माहौल में मिलें, आप लोग सब स्वस्थ रहें, ये उम्मीद करती हूँ। आप लोग सब अपना अपना ध्यान रखिए। इस उम्मीद के साथ, इस आशा और शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपने मुझे सुना, जन सरोकार मंच का एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सकी। आपका बहुत बहुत आभार, सबको बहुत बहुत नमस्कार।